नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्थ टेक पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ओफिज 200 mg टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट का क्या काम है, कैसे यूज करना है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, फ्रेंड्स पूरी जानकारी देंगे। कृपया वीडियो को पूरी देखें। तो फ्रेंड्स, ओफिज 200 mg टैबलेट जो कि होरिजन कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और इसकी मार्केट प्राइस फ्रेंड्स 58 रुपये है। 58 रुपये में ये 10 गोली का एक स्ट्रिप आता है। बात करते हैं इसके कंटेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें उफ्लॉक्सासिन और लैक्टिक एसिड बेसिलस होते हैं। तो फ्रेंड्स, उफ्लॉक्सासिन 200 mg और लैक्टिक एसिड बेसिलस 60 मिलियन स्पोरेस होता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं इस टैबलेट के यूजेज के बारे में। तो फ्रेंड्स, इससे पहले बता दें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और दवाओं के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, ओफिज 200 mg टैबलेट जो कि एक एंटीबायोटिक है और ये बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन को दूर करता है। और आइए फ्रेंड्स, जानते हैं इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो फ्रेंड्स, ओफिज 200 mg टैबलेट का उपयोग आँख और कान के संक्रमण, त्वचा के संक्रमण, UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, श्वास नली में इन्फेक्शन, दस्त, इन सब के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा टैबलेट है और बहुत ही बेहतर रिस्पांस देता है। बैक्टीरिया से होने वाले हाथ में इन्फेक्शन या बुखार, इन सब को ठीक करने के लिए भी ये एक एंटीबायोटिक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो एक एडल्ट व्यक्ति इस टैबलेट को सुबह और शाम ले सकते हैं या अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार। फ्रेंड्स, इस टैबलेट को लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लेनी चाहिए ताकि डोज के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिल सके। और आइए फ्रेंड्स, जान लेते हैं इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, ओफिज 200 mg टैबलेट के जो साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि सर दर्द, दस्त, अनिद्रा, जी मचलाना, चक्कर आना, उल्टी, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, शरीर पे खुजली होना, दाने निकलना, लाल चकत्ते पड़ना, ये सब साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि किसी किसी को हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसी कोई समस्या होती हो इस टैबलेट को लेने के बाद, तो इसका सेवन बंद करके अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की जानकारी ओफिज 200 mg टैबलेट के बारे में। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।